आज का शो जिनका नाम हुआ करता, जिनका हमें पूरा हफ्ता इंतजार हुआ करता, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम हारिस अजमी साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फहीम भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। और लगता है दिन शुरू हो गया है और यकीन है कि हफ्ता शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। और हफ्ते की हफ्ता शुरू होता है बहुत सारे लोगों का जब वो अपने अपने स्टार के बारे में जानते हैं। और इस दफ़ा क्या क्या खुशखबरियाँ हैं, ज़रा वैसे जनरली बता दें, फिर हम एरीज से शुरू करते हैं। सितारों की चाल में फहीम भाई, जो फुल मून होता है ये हमेशा ही बहुत अहम रोल अदा करता है। इस हफ्ते एक नया सर्कल दोबारा फिर शुरू हो जाएगा। आज 25 है मुहर्रम की, तो 5 दिन बाद फिर फुल मून हो जाएगा, सफ़र का नया चांद तलू होगा, एक नया सर्कल दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल वो जो मैंने पिछले हफ्ते वादे किए थे कि बड़ा इवेंट है 15 तारीख को, तो ये जो 15th of October आएगा, आज इसमें वीनस, मरकरी और जुपिटर, इन तीन की चालें बड़ी सारे सितारों के लिए बड़ी पॉजिटिव हैं। वन बाई वन जब बयान करना शुरू करेंगे तो सब सितारे देखेंगे कि वक्त फसलें बहार की तरह उनकी ज़िंदगियों में गुल खिला रहा है। मेरा नहीं ख्याल इनको इस हफ्ते कोई ज़्यादा ऐसे लॉसेस या ट्रबल्स हैं कि कदम फूकने पड़े। लेकिन बहरहाल एहतियात हर चीज़ में ही ज़रूरी है। क्या ख्याल है खान साहब? बिल्कुल, ये खान साहब वाली क्या कहानी है। बहुत बढ़िया। हफ्ते की जो चाल थी उसमें जहनी आसूदगी, रवैये में मुसबत तब्दीली, अपॉर्चुनिटी ऑफ सोर्स ऑफ इनकम एंड उसके अलावा मैनेजमेंट की जो स्किल्स थी, इससे पिछले हफ्ते में इन्होंने खूब अपने आप को मनवाया होगा। लेकिन इस हफ्ते तीन चीज़ें नई होने जा रही हैं। एक चीज़ के नई होने में तो वीनस जो है वो रिलेशनशिप को 7th हाउस में बहुत आसूदा करेगा। वीनस इज़ अ लॉट ऑफ लव एंड केयर, वीनस इज़ अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइजिंग्स एंड वीनस इज़ अ लॉट ऑफ कनेक्शन, कम्युनिकेशन, इस तरह की सारी चीज़ें वीनस से आती हैं। फिर उसका 7th हाउस में होना, जो लोग ऑलरेडी रिलेशंस में होंगे हस्बैंड एंड वाइफ, या उनके लिए ये बड़ा मौजू है। और जिन्होंने रिलेशनशिप के डिसीजंस अभी लेने हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। जब कोई बंदा तारीखें चुन चुन के रखता है, जब कोई बंदा ये देख के रखता है कि इस वक्त मौसमी हालात कैसे हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकली वीनस का दौर इसी सिचुएशंस को अपने फुल बूमी एंड ब्लास्टी वे में रिलेशनशिप सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस वक्त रिलेशनशिप सपोर्ट के लिए वीनस आइडियल चल रहा है। रिलेशनशिप डिसीजंस लिए जा सकते हैं, शादी की तारीखें रखी जा सकती हैं, रिश्ता अज़दवाज के लिए जो पैगाम रसानी का काम किया जाता है वो किया जा सकता है। और इस वक्त अगर कोई अपनी शादी या इस तरह के कोई इवेंट परफॉर्म करेगा तो उसको ये टाइम सपोर्ट भी मिलेगी, गुड लक। तो शादी का सोच समझ के या बड़ा एक प्लान करके या हिसाब किताब एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर करवा के करवाई जाए तो कोई फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, बहुत, ये दो तीन फ़र्क तो कॉमन है, बाकी तो जारी बात है प्रैक्टिकल लाइफ भी उसमें एक फैक्टर है, सारी एस्ट्रोलॉजी नहीं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कि आप दूसरे की फितरत रीड कैसे करेंगे। हाँ। मार्केट में जो फितरत को रीड करने की एक ही साइंस मौजूद है, दैट इज़ ओनली एस्ट्रोलॉजी। अगर आपको इसका कोई रिप्लेसमेंट और मिलता है, आपको लगता है कि फितरत कोई और भी बता देता है, तो ठीक है उससे पूछें। लेकिन हम लोगों ने इंसानी फितरत को 12 हाउसेज में कन्वर्ट करके, दुनिया में जितने भी लोग होंगे वो इन 12 महीनों में ही पैदा हुए होंगे ना, वो हमने उनकी नेचर्स डिस्कस कर ली। जैसे आपने अभी ट्रेड्स बताए, ये एरीज नेचर थे। अब जिन लोगों का एरीज से वास्ता पड़ने वाला होगा, वो अगर पहले से ही जान लें कि वो क्रिएटिव होंगे, वो एनर्जेटिक होंगे, और उनके साथ किसी लथार्जिक टाइप की खातून को शादी करा दी जाए तो फिर झगड़े ही होने होते। एंड द नुकसान, अगली खबर जो 11 अक्टूबर से इनके साथ शुरू हुई थी एरीज के साथ, वो जुपिटर था। जुपिटर नुकसान से बचा रहा था, जुपिटर रूहानी फवायद दे रहा था। जुपिटर इज़ अ साइन विच इज़ प्रोड्यूसिंग द मैग्नीफाइंग एवरीथिंग, जिस चीज़ को टच करेगा उसे मैग्नीफाई कर देगा। और जुपिटर इनके यहाँ 8th हाउस में था, 8th हाउस लॉसेज का घर था। जब वहाँ जुपिटर गया तो लॉसेज रिकवर होना शुरू हो गए, मुकदमेबाजियाँ ख़त्म होनी शुरू हुई। उसके अलावा पंचायतिज़म, जहनी प्रॉब्लम्स जो हो रही थी उनका भी रिजॉल्व होना, ये भी पॉसिबल हो गया। सो ये भी पॉसिबिलिटी उनके साथ चली, लंबी चलेगी। इस हफ्ते पिछले हफ्ते से ज़्यादा ताकतवर है जुपिटर। ओके, और जो आपने लास्ट वीक बताया भी था कि संडे के बाद से काफ़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। अब वो खुशखबरियाँ तो अभी शुरू होंगी। वो खुशखबरियाँ हैं मरकरी की जुपिटर के साथ और मरकरी की यूरेनस के साथ
एक ट्रांजिट पीरियड चल रहा है। मर्करी, जुपिटर एंड यूरेनस जब तीनों अपने अपने हाउसेज में परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, उन तीन तारीखों को नोट कर लें, 11 तारीख, 15 तारीख और 18 तारीख। 11 को जुपिटर लग चुका है, 15 को वीनस लग जाएगा और 18 को मर्करी, 15 को यूरेनस लग जाएगा, 18 को मर्करी। इन तीन सितारों की वजह से तालिब इल्मी के ज़माने के जो लोग हैं, जो अभी सीखने और सिखाने के अमल से गुजर रहे हैं, वो इस वक्त अपने अंदर बामकसदपन देखेंगे, वो इस वक्त अपने अंदर कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, आसानी महसूस करेंगे। ज़िंदगी इस तरह चल रही होगी कि जैसे वो ही चला रहे हैं। एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक, सीखना आसान। एग्जामिनेशन की डेट अगर रखनी हो किसी ने, जैसे आजकल ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं और वो एरीज भी हैं, तो यही दिन है, इसी हफ्ते डेट रखें। मर्करी उनको इतना सपोर्ट करेगा कि वो बहुत फर्मली, बहुत ही बामकसद अंदाज से, बहुत वार्मली अपने सीखने और सिखाने तालीमी सरगर्मियों को पूरा कर पाए। आपको मतलब है कि एरीज के लिए ये वो वीक चल रहा है कि वो जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। यस, बिल्कुल सही। द वीक ऑफ गुड लक, हारमनी, पीस, प्लेजेंट मूड, रिलेशनशिप एंड एक चीज़ रह गई, ज़रा बयान कर दी, करियर ओरिएंटेड एरीज भी, क्योंकि जुपिटर का दौर है तो अपने काम को एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड करने में लॉन्चिंग भी कर सकते हैं, अगर कोई नया एग्जाम करना है, जॉब स्विच करना है, तो ये भी उनके लिए मौजूद है। रिश्तेदारी का मामला भी हो गया। अब एक चीज़ रह गई थी, वो शख्सियत के बारे में है, लेकिन उधर इनका हाथ ज़रा तंग है, वो बैड न्यूज़ में है। अपनी शख्सियत पर ज़रूर काम करें। जब बहुत ज़्यादा रवानी से पैसे आने लगते हैं, मेरा लालची सा हो जाता है, उधर जाने लगता है। तो यानी कि